ये देखें सुबह सवेरे का वक्त है और अभी अंधेरा ही था, देखें हल्की हल्की रोशनी निकलना शुरू होगी। अस्सलामुअलैकुम, ब्रैंड न्यू ब्लॉग हाजिर है नए ब्लॉग में। और आज बहुत सख्त गर्मी है, बहुत धूप है, देख सकते हैं आप। सब सोए हुए, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज फिर ब्लॉग बना रही हूँ। सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं किचन की तरफ, जो सुबह उठते साथ काम होता है किचन का। ये मैंने चाय बनानी है अभी, क्योंकि मेरा और मुबशर का तो रोज़ा है, और दो रोटियां बनानी हैं इनके लिए। इसके बाद फिर दिन की तैयारी करेंगे। ये मैंने रात को चने भिगो दिए थे, मैं आपको खोल कर दिखाऊं। ये देखें सुबह सवेरे का वक्त है और मैंने और मुबशर ने रोज़ा रखा है। उसके बाद हमने नमाज पढ़ी है, फिर बैठ के इबादत करते रहे हैं, तस्बीहात वगैरह की हैं। तस्बीहों पढ़ने के बाद हमने फिर कुरान पाक की तलावत की है, और तलावत तो हम कर चुके हैं। इसके बाद मुबशर ज़बानी पढ़ रहा था, तो मैंने कहा चलो आप पढ़ो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, कोई गलती हुई तो माफ़ करना। और मुबशर को शाबाश दें, मुबशर के लिए दुआ करें, मुबशर को अल्लाह ताला तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, और मज़ीद इसको ना अच्छा पढ़ने की तौफीक दे। चलो देखो ला लाजी माशाल्लाह। कोई मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई, मुबशर ने कुछ गलत पढ़ा हुआ, तो माजरत, और इसके लिए मज़ीद दुआ करें, अल्लाह ताला इसको तरक्की और कामयाबी दे, जल्दी से ये कुरान पाक ख़त्म करे और ऐसे ही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ता रहे। अल्लाह ताला इसको तरक्की और कामयाबियाँ दे। मेरे बेटे का आज रोज़ा भी है और माशाल्लाह इबादत भी अच्छी कर रहा है,
तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ भाई अपने बेटे के लिए। तो मैं से कह रही हूँ मेहनत करो, अच्छा अच्छा जल्दी से पढ़ो, कुरान पाक ख़त्म करो और इसी तरह लायक होगे। फिर इसके लिए ढेर सारी दुआएं करें, माशाल्लाह बोलें कमेंट्स में और इसके लिए दुआएं करते रहें। बशीर कुछ कहना चाहेगा? हाँ, मेरे लिए मरी दुआ करें, मुझे और अच्छा है, और सबक अच्छा है, बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर। अभी अंधेरा ही था, देखें हल्की हल्की रोशनी निकलना शुरू हो गई है और फिर भी गए मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में, वापस आए तो उन्हें कहती हूँ मुझे लाइट भी बंद कर दें। और मौसम बिल्कुल साफ है, मुबशर बहुत ज़्यादा खुश हुआ हुआ है भाई, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा तो जानों के टाइम ही हमने बंद कर दिया था बेटा, अब तो देख रोशनी हो गई है, अब अल्लाह करे अच्छा तेरा रोज़ा अच्छे अच्छे से गुजर जाए, प्यास ना लगे, तो फिर बहुत सही होगा। दुआ करें ना थोड़े पैसे आए, फिर नया मोबाइल लें, इसका रिजल्ट ही लाइक कर दें, जल्दी से शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ओके व्यूज अच्छे अच्छे आए, प्यारे प्यारे आए, तो फिर नया मोबाइल लेंगे, और फिर उसका कैमरा भी अच्छा होगा, इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, किसी टाइम सही आती है, किसी टाइम सही नहीं आती। तो चलें दुआओं में याद रखें, अल्लाह करेगा आज सारा दिन का मैं ब्लॉग बनाऊंगी आपके साथ, सारी बातें शेयर करूंगी, दुआ करेंगे क्या क्या चीज़ बनाएंगे। और मुबशर कह रहा है मैं भी ब्लॉग बनाऊंगी, इसको भी सपोर्ट करें, आप मेरे चैनल को भी वो सपोर्ट करें, मेरी मामा को भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करें और अच्छी अच्छी बातें करें और सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आगे बढ़ सकें, व्यूज़ अच्छे आए, दिल लगा रहे हम अच्छा अच्छा वर्क करें, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएं। ये हमने प्याज लहसुन और टमाटर इनको कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद चावल साफ़ कर लेंगे उनके, उसके बाद भिगो लेंगे, भिगोने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं कहती हूँ जल्दी से दुआ हो जाए ताकि टाइम पे बांटे भी जाएं चावल। तो शुरू करते हैं, ये देखें चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और अच्छी तरह फूल गए हैं, और ये कुछ बर्तन जो हमने सुबह सहरी भी की है और धोने वाले पड़े हुए हैं, इसके बाद हम इन्हें कुकर में डाल के बॉईल कर लेंगे आधा एक घंटा ताकि ये अच्छे से गल जाए, फिर ऐसे इन्हें चावलों में डाल देंगे और फिर मैं आपके साथ साथ आज की सारी रूटीन शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह मेरे साथ साथ रहें, जुड़े रहें वीडियो से, वीडियो पूरी देखनी है। ये देखें नाश्ता उनका बिल्कुल रेडी हो गया है, चाय भी बन गई है और रोटी भी बन गई है, रोटियों को अच्छे से लपेट लेते हैं ठंडी नो, फिर इन्हें मैं जा के देती हूँ। और इस साइड पे कुकर मैंने रख दिया है चने बॉयल होने के लिए, आधे एक घंटा रख के फिर चेक करूँगी, हो गए तो फिर उतार दूँगी और मज़ीद तैयारी करती हूँ, बच्चों को जगाती हूँ, उन्हें नाश्ता करवाती हूँ। ये देखें ये जागे हैं मैं, अरवा और भूसा जामीन भी जाग रही है, इनके लिए मैं नाश्ता ले कर जाती हूँ और उनको नाश्ता करवाती हूँ। ये देखें कमरे की कुछ हालत, अभी सो के उठे हैं सारे, और ये जैसे मैंने कहा है काम लेख और रामीन फरी देख चलाया है हमने बड़े, मुझे करे। ये देखें हमजा फरियाल, इनको अपंग ही करते हैं, इन्हें प्यार करते हैं और कमरा साफ करते हैं, फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ क्या कह रहे हो, स्कूल क्यों नहीं गया? चल वो ब्लॉग शुरू कर, कैसे शुरू करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यू ब्लॉग। इसने मोबाइल एंट्री ली है उसकी,
व्लॉग की, और फरवा फरवा भी आप बोले, कैसे बोलोगी? ये भी कह रही है व्लॉग। चले व्लॉग शुरू हो गया है, अब इन्हें मैं नहीं ब्लॉग। हाँ सारों का आ गया, चलो ये देखें, सारी सफाई हो गई है, कमरा साफ हो गया है, और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, वो कपड़े पड़े हैं इस्त्री करने वाले हैं, बाकी ये शेब भी बैठे हुए हैं इधर। कैसे हैं आप? ठीक है? क्या हुआ है? रोजा लगा हुआ है रोजा? बाबा ने अंगूठी पहनी। किसकी किसकी अंगूठी पहनी है? तू डांस क्यों कर रहा है? और मुबशर का कैसे रोजा गुजर रहा है? मुबशर मुबशर क्या हुआ है? कैसा गुजर रहा है रोजा? मजा आ रहा है? अंग्रेजी ही ले रहा है तू। और फरफा रामीन कह रही थी मैंने भी रोजा रखना है, मैंने कहा तू आगे ही बहुत कमजोर है, तू ना रख, पानी की और कमी हो जाएगी, है ना, इसीलिए फिर मैंने इसको नहीं जगाया। और फरवा का भी रोजा है, किधर रखा है रोजा? किचन में, किचन में इसने रोजा रखा हुआ है अपना। मुंह में ये मोती ना डालो, अब लगानी है झाड़ू, झाड़ू की बारी है, अब लगाते हैं झाड़ू, झाड़ू की कर देते हैं, और पहले डब्बा से सफाई कर लेते हैं, इधर से सफाई करने के बाद फिर अंदर कमरे शुरू कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। फिर हमने चावल बनाए और दवा वगैरह की, पानी बनाया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई, और रोज़ा भी था, घबरा गए थे मैं और मुबशर, क्योंकि गर्मी बहुत थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मुबशर कैसा गुजरा रोज़ा? आखिर में प्यास लगी है ज़्यादा। मुझे भी चाहिए, आखिर में प्यास लगी। चलें इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।